ये इसका प्यारा सा हेडलाइट। ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। सो अभी हम लोग फिलहाल टाटा के शोरूम में हैं। तुम लोग भैया के वीडियो में देखे होगा कि हम लोग जनवरी में कुछ सरप्राइज़ की बात कर रहे थे, तो वही है सरप्राइज़। हम लोग टाटा के शोरूम में टाटा का प्रोडक्ट लेने वाले हैं, उसी के ऊपर अभी काम चल रहा है। अभी भैया यहाँ पे पेपर वर्क हो रहा है यहाँ पे, सो या पेपर वर्क होता है उसी को प्रोडक्ट दिखाता हूँ मैं। क्या हो गया प्रिंसी? वैसे थंबनेल और टाइटल में तुम लोग देख लिए होगे कि क्या होने वाला है, एंड यस बहुत ही अमेजिंग चीज़ होने वाली है वो। एंड जब तक ये पेपर वर्क होता है तब तक मैं एक टूर दे देता हूँ टाटा के शोरूम का। सो या मेरे पीछे है फिलहाल अभी एक टाटा हैरियर, एंड इसकी तो बात ही कुछ अलग है भाई। टाटा हैरियर क्या गाड़ी है ये, टाटा हैरियर यहाँ पे खड़ा हुआ है फिलहाल, एंड उसके बाद पंच, उसके बाद सफारी। टाटा का लाइनअप एकदम अलग ही है ना, सब सेम दिख रहे हैं। यहाँ पे बैठ के अपन वेट करते हैं। हम घर आ चुके हैं, पूजा वूजा भी सब हो चुका है, एंड यहाँ पे अपनी खड़ी है धन्नो। सच बताऊँ तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है वाइट कलर में। मैं शोरूम में ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि हर चीज़ हम लोग जल्दबाजी में कर रहे थे, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और मंदिर भी बंद हो सकता था। सो ये है हमारी प्यारी धन्नो, जो कि इतनी खूबसूरत लग रही है कि मैं क्या बताऊँ। सच बताऊँ ईवी कार में बैठने का जो मज़ा है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। I mean, कोई सा भी इतना सा भी वाइब्रेशन नहीं आया गाड़ी में, इतना मस्त कंफर्टेबल इसका सीट्स हैं। जितना तारीफ करो उतना कम है, क्योंकि ये गाड़ी लेने से पहले ऑलरेडी भैया ने बहुत सारा रिसर्च कर चुका था। ईवी लेने से पहले उनके पास एक स्कॉर्पियो थी जो कि हम लोगों ने जनवरी को ही खरीदा था, इलेक्ट्रिक लिए हैं भैया। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, जो ये वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब में, कुछ अलग सा करना चाह रहे हैं अपने ईवी और अपने गोप्रो के साथ। सो या अभी हम लोग गाड़ी को देखते हैं अच्छे से और मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो ये इसका प्यारा सा हेडलाइट जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एंड ये इसके मोटे मोटे चक्के। इसके अंदर घुस के देखते हैं, ऑटोमेटिक फोल्डिंग मिरर्स जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, हर गाड़ियों में होना चाहिए ऐसा। ओके सो डी कट इसमें हैंडल है जो कि मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। राउंड जो हैंडल्स होते हैं उसके मुकाबले ये जो डी कट स्टेयरिंग है वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें बढ़िया सा इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि काइंड ऑफ थोड़ा सा छोटा है। बातें बहुत हो गई, अभी से स्टार्ट करते हैं। मैंने आज तक कोई भी ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं चलाई है, ना कभी एक ईवी चलाया है। सो मे बी कल मैं चलाऊँ, सो कल का एक अलग सा सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें मैं ईवी चलाऊँगा। अभी मैं फ़िलहाल तुम लोग को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। जहर। गाड़ी स्टार्ट हो गया था और हम लोग को पता ही नहीं चला कि गाड़ी स्टार्ट हो गया। इतना इसका साइलेंस है कैबिन के, हम लोग को पता भी नहीं चला गाड़ी स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा भी हल्का सा भी वाइब्रेशन नहीं है, ना कोई साउंड है गाड़ी स्टार्ट होने का, मतलब अलग ही फीलिंग देता है। ये भी पेट्रोल या कोई डीजल इंजन है जिसकी वजह से वाइब्रेशन आए। इसमें ओनली मोटर एंड बैटरी है जिसकी वजह से इतना सा भी साउंड नहीं आता, ना कुछ आता है। मतलब ऑटोमेटिक इसमें एसी दिया हुआ है, सब चीज़ें हैं। जस्ट मंदिर से आ रहे थे, भैया ने स्पोर्ट्स मोड ट्राई किया, लिटरली बता रहा हूँ स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी ऐसा हम लोगों को खींच रहा था, भैया ऐसा एक्सीलेटर दिया, हम लोग ऐसा हो गए थे। इतना पावरफुल है इसका स्पोर्ट्स मोड। सो आने वाले वीडियोस में बहुत मज़ा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भैया के यूट्यूब चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि इसमें
अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट आने वाले जो कि भैया के चैनल में आएंगे। भैया के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो होप सो तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो एक लाइक करना। सो या मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।